नमस्कार दोस्तों, मैं अभिजीत फिर से एक नया वीडियो लेकर आस्टिक बॉय अभिजीत चैनल में हाजिर हूँ। और आशा करते हैं आप लोग सब सही होंगे और कुशल मंगल होंगे। तो दोस्तों, ये जो वीडियो है ये ऑटोकैड रिलेटेड है, और ऑटोकैड में मैं इससे पहले एक वीडियो अपलोड कर चुका हूँ जो यूनिट रिलेटेड था, और उसी का ये पार्ट टू है, क्योंकि एक वीडियो में मैं टोटल यूनिट का कवर नहीं कर पाया था, तो इसीलिए मुझे पार्ट टू बनाना पड़ रहा है कि टोटल के टोटल कवर हो जाए और सबके पास ये क्लियर हो जाए कि यूनिट में क्या काम होता है और यूनिट सेटिंग करना कितना ज़रूरी होता है या डाइम स्टाइल को सेटिंग करना कितना ज़रूरी होता है। आप लोग देख रहे हैं कि मेरे पास तीन सेफ है जिसका मैं डायमेंशन पहले चेक कर लूँगा। तो सर्कल है, ट्राइंगल है, स्क्वायर है, तो इसके लिए मुझे पहले तीनों का डायमेंशन लेने पड़ेगा। तो DLI इंटर या लाइनर कमेंट ले लीजिए और टोटल डायमेंशन ले लीजिए, क्योंकि ये स्क्वायर शेप है तो दोनों साइड में मैं ले रहा हूँ, वर्टिकली में भी ले लेता हूँ एक, तो दोनों शेप में ले लिया। अभी ट्राइंगल का भी दोनों शेप ले रहा, वर्टिकल ले रहा हूँ और हॉरिजॉन्टल ले रहा हूँ। ये हो गया दोनों शेप। अभी देखिए, ये जो है आपका, ये आपका लाइनर कमांड से आएगा नहीं, इसके लिए लेना पड़ेगा अलाइंड। अलाइंड लेके आपको ये भी मैं ले रहा हूँ। अभी देखिए, मैं इसका शॉर्टकट की भी लगा रहा हूँ और है DAL। अगर मैं इसमें देता हूँ DAL डाइम अलाइन कमेंट, तो एक ही सेम आएगा आपका। ये देखिए, मैं ले रहा हूँ 7.071। और फिर आते हैं सर्कल में, तो सर्कल में आपको लेने के लिए फिर यहीं पे जाएंगे और यहाँ पे दो होगा, एक रेडियस एक डायमीटर। तो रेडियस भी आप चूज़ कर सकते हैं और डायमीटर भी चूज़ कर। मैं एक डायमीटर को ले रहा हूँ और दे रहा हूँ। अभी देखिए, टोटल जो आपका डायमेंशन है ये कुछ समझ में नहीं आ रहा, बहुत छोटा आ रहा है, तो मुझे जूम इन करके देखना पड़ेगा। तो मैं थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूँ इसको, 5.0000 मतलब पॉइंट के बाद 4 डिजिट। और इसके बाद ये भी देखिए, इसको भी थोड़ा जूम करता हूँ तो 5 मीटर आपका आ रहा है। अभी इसको मुझे पूरा चेंज करना है, हर एक चीज़ मुझे थोड़ा सा चेंज करना है जो देखने में अच्छा लगे। तो इसके लिए लूँगा यूनिट UN इंटर, और डेसिमल को डेसिमल एज इट इज़ रहने दूंगा, और प्रिसीजन में लूँगा पॉइंट के बाद 3 डिजिट। मिलीमीटर को रहने दूंगा क्योंकि मिलीमीटर सबसे छोटा यूनिट होता है, इंटरनेशनल सेम रहेगा, करेंगे ओके। अभी डी इंटर डाइम स्टाइल, मॉडिफाई में जाऊंगा, मॉडिफाई में जाके पहले प्राइमरी यूनिट्स जो है उसको चेंज करूंगा। प्राइमरी यूनिट्स में मुझे जो मैं यूनिट्स में चेंज किया हूँ सेम टू सेम करेंगे, यहाँ पे भी 3 पॉइंट के बाद 3 डिजिट, डेसिमल जो भी था मेरा सेम टू सेम करेंगे और आ जाएंगे लाइन में। लाइन में आपको दो चीज़ चेंज करना है, यहाँ पे सब ठीक है। यहाँ पे देखिए, राइट साइड में एक्सटेंड बियॉन्ड डाइम लाइन, एक्सटेंड बियॉन्ड डाइम लाइन, इसको कर देंगे बाय डिफ़ॉल्ट है आपका 180.180, इसको करेंगे 0.1। इसके बाद देखिए, ऑफसेट फ्रॉम ओरिजिन, ये भी 0.0625 है, मैं इसको कर दूंगा 0.1, इसको भी मैं कर दे रहा हूँ 0.1। अभी लाइन का काम यहाँ पे बाकी एज इट इज़ वही रहने देना है, इसको कोई छेड़छाड़ नहीं करना है। अभी आएंगे सिंबल और एरोज में, आपका यहाँ पे जो एरोज है क्लोज फील्ड सेम टू सेम रखने देंगे, इसको चेंज आपके हिसाब से चेंज कर सकते हैं, बट मैं सेम रहने दूंगा। सेकंड पॉइंट भी क्लोज फील्ड, वो भी रहने दूंगा। यहाँ पे जो एरो साइज है इसको मैं थोड़ा चेंज करूँगा, इसको करूँगा 0.3 करके आपका आ जाऊँगा टेक्स्ट में। टेक्स्ट में मुझे टेक्स्ट हाइट को चेंज करना है और टेक्स्ट स्टाइल को भी चेंज करना है, तो मैं पहले टेक्स्ट हाइट को चेंज कर लेता हूँ। इसको कर रहा हूँ
0.4 कर देता हूँ इसको कर दे रहा हूँ 0.4। अभी देखिए टेक्स्ट स्टाइल में स्टैंडर्ड है, इसका पीछे एक टैब है, उसको जैसे करेंगे तो आप फ्रंट नेम जो है उसको चेंज कर सकते हैं। तो मैं इसको कर दे रहा हूँ आपका टाइम्स न्यू कर दे रहा हूँ, टाइम्स न्यू जो है रोमान वो कर दे रहा हूँ। आप फॉन्ट स्टाइल को भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन मैं रेगुलर रखने का वो आप लोगों को बताऊँगा कि रेगुलर ही रखिए, उसको बोल्ड या इटैलिक मत कीजिए। अभी हम लोग कर देंगे अप्लाई और कर देंगे सेट करेंट। फिट में आएंगे तो फिट में चेंज करना है मुझे एक चीज़, यहाँ पे एज इट इज सभी सब कुछ रखना है। यहाँ पे देखिए ओवर डायमेंशन लाइन विथ लेडर, इसको चेकआउट चेक इन कर देंगे और कर देंगे ओके। प्राइमरी में चेंज कर लिया था। अभी चलते हैं थोड़ा टेक्स्ट में। टेक्स्ट में एक चीज़ आपको करना बहुत ज़रूरी है जो मैं ऑलरेडी लेना भूल गया, तो यहाँ पे देखिए अलाइंट विथ डायमेंशन लाइन, इसको चेक कर देना है। सिंबल और एरोस में भी कुछ है नहीं, फिर भी एक बार चेक कर ले रहा हूँ। अच्छा यह लाइंस में भी मैं ऑलरेडी कर दिया ओके और सेट करेंट। अभी देखिए इसका स्टाइल चेंज हो चुका है, आपका विजिबल भी हो रहा है और फ्रंट देखने में भी बहुत अच्छा लग रहा है। तो ऐसे आपको चेंज करना है। अभी मैं और एक तो चीज़ आपको दिखाता हूँ। मैं यहाँ पे आपको जो हम लोग और एक्सटेंडेड जो ये पार्ट को किए थे उसको मैं दिखा रहा हूँ। देखिए 100 में लिया था वहाँ पे, सॉरी इसको मैं अलाइंड में लेना पड़ेगा, अलाइंड लेके मैं ऑर्थो मोड को ऑफ करना पड़ेगा और यहाँ पे ले रहा हूँ मैं 100। और एक चीज़ है जो एक्सटेंडेड बियॉन्ड किए थे 0.1, वो भी दिखा देता हूँ, ये भी आपका आएगा 0.1। तो यही दो चीज़ है, तो इसको मैं क्लोज़ कर देता हूँ। अभी ये मैं इसका रेडियस भी थोड़ा चेक कर लेता हूँ, तो जाएंगे रेडियस में, इसको क्लिक करेंगे तो आपको रेडियस भी मिल जाएगा। तो दोस्तों मैं अभी एक चीज़ आप लोगों को बताना चाहूँगा कि वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, क्योंकि जैसे मैं आप वीडियो को अपलोड करूँगा तो नोटिफिकेशन आपके पास जाएगा। तो अभी देखिए मैं इसका थोड़ा एंगुलर चेक कर लेता हूँ, एंगल चेक कर लेता हूँ, ये है 90 डिग्री। तो फिर इसको मुझे चेंज करना पड़ेगा थोड़ा सा। तो फिर UN इंटरमार्क में आ गया और एंगल सेक्शन में आऊँगा और डिग्री मिनट सेकंड करके मैं 0 डिग्री 0 मिनट 0 सेकंड करके ओके का प्रेस कर दूँगा। तो फिर डाइम स्टाइल में जाऊँगा, फिर आपका मॉडिफाई में जाके प्राइमरी यूनिट्स में जाएंगे और एंगल जो डायमेंशन है उसको 0 डिग्री मिनट सेकंड करके 0 डिग्री 0 मिनट 0 सेकंड करके सेट करेंट करके क्लोज कर दूंगा। तो देखिए ये आपको दिखा रहा है कि 0 डिग्री 0 मिनट 0 सेकंड। मैं और एक को चेक कर ले रहा हूँ, इसको हटा देता हूँ, मैं स्क्वायर का भी चेक कर ले रहा हूँ, फिर एंगुलर लेंगे और दोनों को क्लिक करेंगे तो ये 90 डिग्री आपको दिखा रहा है। तो दोस्तों मिलते हैं एक नया वीडियो के साथ, फिर एक नया टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।